सबसे पहले आप देख लो कि सेट ड्रिवन की होती क्या है और हम आज करने क्या वाले हैं। तो सेट ड्रिवन की से इसको चलाने वाले हैं। यहाँ पर सेट ड्रिवन की हम यूज़ क्यों करते हैं पहले ये देख लो, क्योंकि आपने कनेक्शन एडिटर देख लिया, कंस्ट्रेंट देख लिया, आपने एक्सप्रेशन एडिटर देखा। तो आपने देखा एक्सप्रेशन एडिटर तब यूज़ करते हैं जब क्रॉस कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन एडिटर तब यूज़ करते हैं जब जब सेम कनेक्शन करने होते हैं चाइल्ड पेरेंटिंग के, कंस्ट्रेंट तब यूज़ करते हैं जब सेम कनेक्शन हो और लेकिन वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पे ना हो, वो तीन तीन हो, ट्रांसलेट हो, स्केल हो, ओरिएंटेशन हो, या अलग अलग करनी होती है। तो सेट ड्रिवन क्या करता है आपका, सेट ड्रिवन पे की लगानी पड़ती है आपको, की के थ्रू उसको बताना पड़ता है कुछ स्टेप से। जैसे प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामिंग होती है इफ़ एंड इफ, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से फंक्शन चलेगा। आपको प्रोग्रामिंग में बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को चलाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जब इतना चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट को इतना चलाएगा। यही होता है सेट ड्रिवन की। क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा। पेरेंट चाइल्ड को कंट्रोल करेगा, लेकिन कैसे करेगा कि जब पेरेंट इतना चलेगा तो चाइल्ड इतना चलेगा। अब वो डजेंट मैटर, सेम एट्रीब्यूट पे हो सकता है और क्रॉस एट्रीब्यूट पे हो सकता है। जबकि कनेक्शन या एक्सप्रेशन एडिटर में ऐसा नहीं होता था कि जब ये इतना करेगा तब वो उतना करेगा। तो सेट ड्रिवन की मिलेगी कहाँ, आप ये भी तो देखो। तो सेट ड्रिवन की के लिए हमें जाना है एनिमेशन में। आप देखो एनिमेशन यहाँ पर ये दिख रहा है, और यहाँ पर ये एनिमेट मीनू जो आपको दिख रही है इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सेट ड्रिवन की ये है। एडिटर खोलना है तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये एडिटर का, सेट ड्रिवन की का, इसको आप क्लिक करोगे। ये रहा, ये सेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको जब क्लिक करोगे तो ये पैनल खुल के आएगा। जैसे एक्सप्रेशन एडिटर एंड कनेक्शन एडिटर, कंस्ट्रेन, ये पेरेंटिंग के जो तरीके थे वैसे ही इसका भी एक तरीका है। तो ये देखो ऊपर लिखा है ड्राइवर और नीचे लिखा है ड्रिवन। अब इसको, ये आपके लिए एक नया है अभी तक, जो भी पेरेंटिंग सिस्टम था उसमें ऐसा तो कुछ नहीं आया था। तो यहाँ ड्राइवर का क्या मतलब है, आप ड्राइवर का मतलब हो पेरेंट्स, जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करेगा, यानी कि पेरेंट। और ड्रिवन का मतलब होता है जो कंट्रोल होगा, यानी कि चाइल्ड। तो सीधे से आपको बोलें, यहाँ पर पेरेंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर चाइल्ड। तो आपका पेरेंट चाइल्ड है क्या, ये भी तो देखें। आपने ये सिस्टम लिया, ये सारे अलग अलग हैं, आपको इन सब पे सेट ड्रिवन की लगानी है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको क्या बनाना है, पेरेंट, क्योंकि इससे चलाना है हमको ये पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको, ये दो ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड कर देना है। क्योंकि कोई भी चाइल्ड पेरेंटिंग जब होती है तो वो एट ए टाइम दो ही ऑब्जेक्ट की चाइल्ड पेरेंटिंग करती है। ये पूरा सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो आपको इससे पहले हमने चाइल्ड पेरेंटिंग जो बताई उसमें पी वाला पेरेंट याद है ना आपको, तो आपको क्या करना है, देखो ये एक नट लगा है, इससे इसको पेरेंट कर देना है पी, यानी कि इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये। इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये। तो यानी इसके साथ में इसको सिलेक्ट करना, बोलना पी, और फिर इसी के साथ में ये भी चलेगा। तो इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके इसको बोलेंगे पी। तो ये पी वाली पेरेंटिंग है, अगर आपको समझना है तो वो पेरेंटिंग का ट्यूटोरियल आप देख लो VFX पॉइंट पे। देखो इनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अभी पेरेंट नहीं बना है। ये किसका पेरेंट बनना चाहिए, ये पेरेंट बनेगा इसका पी। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे आप तो देखेंगे ये पूरा फंक्शन जो है एक साथ आ गया, आ गया दिस वन, एक ऑब्जेक्ट और ऐड हो गया। तो देखेंगे इसके साथ ये पूरा फंक्शन हमने अटैच कर दिया था, ये चलाएगा पूरे को, लेकिन ये चलाएगा किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो अब ये तो छूट रहा है ना, ये तो किसी के साथ नहीं जाएगा, तो आप क्या करो इसको इसके साथ पी कर दो ताकि ये ऐसे चले, और जब ये रोटेट होगा ये ऐसे रोटेट होगा। ये देखिए रोटेशन गड़बड़ हो रही है, ये रोटेशन क्यों गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये घूमेगा तो इसके एक्सिस पे, बट ये सेंटर पॉइंट कहाँ पड़ा है, यहाँ पर। तो ये डी एंड वी सेंटर पॉइंट यहाँ पर ले आओ इस जगह। तो आप देखोगे जब ये रोटेट करेंगे तो आप उसी के सेंटर पॉइंट से वो रोटेट होगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपको आगे चल रहा है, ये डी प्रेस करके सेंटर पॉइंट इसके ऊपर ला सकते हो आप इस जगह पर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ जो मिनिमाइज किया था सेट ड्रिवन की, ये ऑन कर लेना है एक बार फिर से। आप देखो ड्राइवर में आएगा आपका पेरेंट जो कंट्रोल करेगा, यानी कि ये, और यहाँ ड्रिवन में आएगा जो कंट्रोल होगा चाइल्ड, यानी कि ये सिस्टम। तो आप एट ए टाइम दो ही ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, तो दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास में। अगर दो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में हैं तो उनको कंबाइन करके पहले दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो आप। अब देखते हैं, सिलेक्ट करेंगे और ड्राइवर पे लोड करना, यहाँ पे एट्रीब्यूट आना। तो ये देखिए लोड करने के लिए नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ड्राइवर लोड करने के लिए लोड ड्राइवर, ड्रिवन लोड करने के लिए लोड ड्रिवन। तो अभी लोड ड्राइवर करना है क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करके लोड ड्रिवन यहाँ पर। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एंड उसके एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट एंड उसके एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर कोई चीज़ सिलेक्ट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर W प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये जेड एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है ये क्या चलेगा जेड में, तो ये जेड में ए लिया हमने। और यहाँ पर ये नीचे चाइल्ड है, इसको हम रोटेट कराना चाहते हैं, इसको रोटेट कराना है ऐसे,
मतलब कि ये साथ में चले भी और रोटेट भी हो, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट भी अभी कहाँ है, यहाँ पर कहाँ होना चाहिए, ये इस एक्सिस से रोटेट होगा ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू डी वी सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पर, ये तो यहाँ से जब रोटेट होगा, ये देखेंगे आप इस पर, तो हम क्या करेंगे अब इसकी रोटेशन, देखिए सेंटर पॉइंट पहले मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद चाइल्ड पेरेंटिंग होगी, तो इसको एक बार फिर से यहाँ से लोड कराना है क्योंकि अभी हमने सेंटर पॉइंट चेंज किया है, और इसकी रोटेशन कौन सी होगी, रोटेशन वाई, और जब ये दोनों लोड हो गए तो यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है की का, आपको की पे हिट कर देना है, जैसे आप हिट करोगे तो आप देखोगे चाइल्ड की जो रोटेशन वाई है उस पर एक की लग गई, लेकिन कितना चलाएगा ये अभी नहीं बताया है, तो अब बताएंगे आप, जब ये वाई यहाँ से चल के यहाँ पर एक वैल्यू पर पहुँचेगा तब ये ऑब्जेक्ट 360 डिग्री एक रोटेशन वाई पूरी कर लेगा, और इस पर फिर से एक लगा देंगे की, तो दो बार की लगानी पड़ी, एक बार कब लगाई आपने जब एक्सिस दिया था तब, और दूसरी बार कब लगाई जब इन एक्सिस पे वैल्यू दी तब, बस इतना काम आपको करना था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अगर हम जीरो पे लेके आएंगे तो ये, और जब ये वन की तरफ जाएंगे तो देखो वो एक चक्कर घूम रहा है, हो गया ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट हम हैंडल करा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि ये जब चल रहा है तो ये सिस्टम भी इसमें साथ में चले, घूम रहा हो तो घूमे लेकिन साथ में भी चले, तो आप क्या करोगे फिर से, अब इसको फिर से सेट ड्रिवन की में डालोगे, क्योंकि आप तो दो एट्रीब्यूट दोनों अलग हो रहे हैं ना, तो एक बार इनकी पेरेंटिंग फिर से करनी पड़ेगी, देखिए रिपीट कर लीजिए आपको और समझ में आएगा, यहाँ पर आपका पेरेंट तो वही बनेगा सिलेक्ट एंड लोड ड्राइवर, ये चाइल्ड बनेगा सिलेक्ट एंड लोड ड्राइविंग, इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट जेट चलेगा, ये आगे बढ़ेगा ना, इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट जेट, क्योंकि इस बार इसको भी आगे बढ़ाना है, और की लगा दी, देखिए पहली कंडीशन में ये क्रॉस में था, ये ट्रांसलेट चल रहा था, ये रोटेशन चल रहा था, लेकिन इस बार दोनों सेम चल रहे, तो हमने आपसे क्या बोला था सेट ड्रिवन की को आप दोनों भी से ले सकते हो, एक की लग गई अब दूसरी बार में की जब ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगा ट्रांसलेट जेट वन पे, तो ये जो ट्रांसलेट जेट है इसका ये कहाँ पहुँचेगा, ये भी वन पे पहुँचेगा, क्योंकि उसके बराबर ही चलाना है ना, और की लगा दी यहाँ पर, उसको बंद कर दिया, तो आपने देखा दोनों तरीके से, अब देखो चाइल्ड आपका इसका जो एट्रीब्यूट है ये दो बार चाइल्ड पेरेंटिंग इसके साथ बनाया गया, एक बार क्या बनाया गया है रोटेशन के साथ में और एक बार ट्रांसलेशन के साथ में, ऐसे आप कई बार बना सकते हो जितने ये खाली हैं सबके साथ में, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे, अच्छा ये ऑलरेडी वन पे है ना, यहाँ पर चलते देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए उसके साथ में भी है और रोटेट भी हो रहा है, अब एनिमेटर का क्या काम है एनिमेट करना, तो वो केवल इसको एनिमेट करेगा, तो कैसे एनिमेट करते हैं थोड़ा सा चेक करते हैं एनिमेशन को, इसकी ट्रांसलेट जेट पे ही की लगाएगा वो की सिलेक्टेड, और यहाँ भी की सिलेक्टेड, और ये 15 नंबर 13 नंबर पे आके इसकी वैल्यू को करेगा वन, तो आप चेक कर सकते हो, प्ले करेंगे ये आपका एनिमेशन, तो देखिए यहाँ पर रिगिंग से आपको क्या बेनिफिट मिला कि रिगर ने पूरा सिस्टम दे दिया एनिमेशन में, केवल उसको की लगाना है एनिमेटर को और वो इसको अच्छा कर सकता है, अब चाइल्ड पेरेंटिंग के थ्रू ये सब जोड़े गए हैं, तो इसके एनिमेशन में देखो इसका केवल ट्रांसलेट जेड ही इसके दोनों को चला रहा है, रोटेशन को भी और ट्रांसलेट को भी, तो इसका बेनिफिट एनिमेटर को मिलेगा क्या कि कभी भी अगर चेंज करना हुआ तो ट्रांसलेट जेड में वो चेंज करेगा इसमें, और अपडेट उसको पूरे सिस्टम पे अपने आप दिखाई देगा, ये एनिमेशन का पार्ट है, ये आप एनिमेशन में सीखोगे अच्छे से, अभी इस पर आपको नहीं ध्यान देना जाएगा, क्लियर है, तो सेट ड्रिवन की से आप क्या करते हो कि जब ये इतना चले तब ये इतना चले, और ये इतना उतना क्या हो रहा है पेरेंट और चाइल्ड के साथ, जब पेरेंट इतना चले तो चाइल्ड इतना चले, अब पेरेंट क्या कर रहा है और चाइल्ड क्या कर रहा है कुछ भी कर रहा है आप करा सकते हो, जबकि एक्सप्रेशन और इनके थ्रू कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पर एक सीधी सीधी सी चीज़ थी है ना कनेक्शन की, ये इतना चलेगा तो वो इतना चलेगा, अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन एडिटर और कनेक्शन एडिटर में थोड़ा सा डिफरेंस, एक्सप्रेशन एडिटर में एक बार एक्सप्रेशन बना दिया तो परमानेंट हो जाता है, लेकिन जो ये सेट ड्रिवन की है इसमें जो एक्सप्रेशन बना है आप देखो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो से वन गई, और अगर वन से भी आगे लेके जाना चाहें तो देखो ये आप इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है, क्योंकि सेट ड्रिवन की को आपने केवल यही बताया है कि जब ये जीरो से वन तक चलेगा तो ही इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा, अदरवाइज ये फ्री है और ये भी फ्री है,